हमारे यूट्यूब चैनल आल हॉबी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए घटना चक्र से क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं और ये हमारे सारे ही प्रश्न वन लाइनर हैं और ये आज हमारी घटना चक्र की दूसरी क्लास है। TGT PGT आर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। आइए देखते हैं। स्टोनहेंज अवस्थित है तो ये ब्रिटेन में स्थित है। आगे देखते हैं, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ये TGT 2011 में पूछा भी गया था ये प्रश्न। आगे देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है तो ये लाल चूना पत्थर से बना है। ये LT ग्रेड 2020 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, पशु आकृत मोहरे पाई गई हैं तो पशु आकृत मोहरे मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। ये TGT 2009 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, निम्न में से मोहरे किस सभ्यता में पाई गई थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई। ये LT ग्रेड 2017 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई शिले किस माध्यम में बनाई गई हैं तो ये टेराकोटा माध्यम में बनाई गई हैं। ये TGT 2004 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरे बनी हैं तो ये मिट्टी से बनी हैं। ये TGT 2011 में पूछा गया था। आइए आगे देखते हैं, हड़प्पा का संबंध है तो हड़प्पा का संबंध इंडस वैली से है। ये TGT 2010 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है तो ये गुजरात में स्थित है। ये PGT 2009 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, लोथल किस देश में स्थित है तो ये भारत में स्थित है। ये 2005 में पूछा गया था। बच्चों, आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग ही उत्तर देना है। प्रश्न वही रहता है, बस केवल हर बार पूछने का तरीका बदल जाता है बस। आइए आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं तो ये भारत में स्थित हैं। ये TGT 2016 में पूछा गया था। आइए आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है तो ये 10.5 सेंटीमीटर है। इस बार सेंटीमीटर में पूछा गया है। आइए और देखते हैं, मोहनजोदड़ो, ये TGT 2021 में पूछा गया था ये प्रश्न। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई क्या है तब की बार इंच में पूछा गया है तो ये 4.13 के लगभग है। ये प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, दो पहिए वाली काम की तीन बैलगाड़ियाँ किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी ये सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई। ये LT ग्रेड 2020 में पूछा गया था। आइए आगे देखते हैं, कांस्य प्रतिमा, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है तो ये नृत्यांगना हुई जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये TGT 2003 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु से बनी है तो ये कांसा से बनी है। 2011 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। TGT 2010 में पूछा गया था। बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। प्रश्न वही है, बस बार बार देखिए पूछने का तरीका बदल रहा है। तो ये TGT 2013 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो अवध की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है तो ये कांसा की मूर्ति है। ये TGT 2004 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं तो ये मोहनजोदड़ो के हैं। ये भी TGT 2016 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी, सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई। ये TGT 2003 में पूछा गया था।
आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग ही उत्तर देना है, जैसा ऑप्शन रहेगा उसी तरीके से। आगे देखते हैं, नटराज मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो नटराज मूर्ति की ऊंचाई 3.7/8 इंच है। ये PGT 2010 भी आया था प्रश्न। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, ये TGT 2003 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो ये मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में मिलता है, ये TGT 2003 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है? तो ये दो नगर हैं, ये TGT 2005 में पूछा गया था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये दो नगर है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में से कौन से पुरातात्विक संबंधित हैं? तो ये राखल दास बनर्जी हैं, ये PGT 2003 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की है, PGT 2013 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में मिले हैं? तो ये बर्तन में के रूप में मिले हैं, ये TGT 2021 में पूछा गया था प्रश्न। आगे देखते हैं, सिंधवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो वो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, ये प्रश्न TGT 2011 में पूछा गया था। आगे देखते हैं, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का है, अपने PGT 2019 में पूछा गया था। बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।